हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देख ले आप, मोहन, पतंग, दिल्ली, गाय आदि। आप समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दूं, संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को जो है कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्ति हैं, तो ये सब देख रहे हैं कि आपको व्यक्ति दिख रहा है, एक बच्ची है, एक उसके पापा है, इसके मम्मी है, तो ये व्यक्ति हो गए। वस्तु, वस्तु में आप देख ले कि सबके हाथ में क्या है, पतंग है, डोर है, तो ये वस्तु हो गए। फिर क्या होता है, भाव। भाव यहाँ पर क्या है कि पर्व के शुभ अवसर पर जो है ये यहाँ पर अपने भाव को बता रहे हैं पतंग उड़ाकर। जाति, जाति भी अलग अलग हो सकता है। नाम भी हो सकता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो है ये पतंगबाजी कर रहे हैं, तो नाम आ गया। इसी को जो है हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पतंग, दिल्ली, गाय आदि। अब जो है हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद जो होते हैं मुख्य तौर पर जो होते हैं तीन होते हैं। पहले होते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरे होते हैं जातिवाचक और तीसरे होते हैं भाववाचक। जातिवाचक में जो होते हैं दो आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं द्रववाचक और दूसरे आ जाते हैं समूहवाचक। आपको जो है कहीं कहीं आपको पांच दिखेंगे कि संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, लेकिन नए तौर पर जो है संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में जो होता है दो शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे पांच होते हैं। द्रववाचक और समूहवाचक जो होता है जातिवाचक संज्ञा में जो होते हैं शामिल हो जाते हैं। और लास्ट होता है भाववाचक। और जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं कि संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। एक एक करके जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जैसे देख ले कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देख ले, आप बहुत तरह ले सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, दिल्ली, कोई विशेष स्थान हो गया, व्यक्ति हो गए महात्मा गांधी, तो उसी को जो है हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख ले कि विराट कोहली एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। कहने का अर्थ है कि विराट कोहली ये है, तो ये क्या है, एक विशेष व्यक्ति हो गए। क्या है कि यह क्रिकेट के जगत में जो है एक महान खिलाड़ी है, तो यह एक विशेष व्यक्ति हो गए। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ताजमहल बना दूँ, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ताजमहल जो हो जाएगा एक प्रकार का विशेष स्थान हो जाएगा, जगह हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। फिर सेकंड एग्जांपल में देख ले, बच्चे जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर बुलाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को, चाचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, विशेष व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि सबको चाचा नहीं बोलते हैं सबको, लेकिन यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, विशेष व्यक्ति के लिए, तो चाचा हो गए नेहरू जी। तो इसका जो होगा यही आपका होगा डिफिनीसन कि किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे जानेंगे सेकंड पार्ट इसके। तो सेकंड में देख रहे हैं कि हमें जानना है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वे संज्ञा या जो संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वे ऐसे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, पूरे जाति का बोध कराता हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख ले, एक लड़की है और एक क्या है, चिड़िया उड़ रही है, तो लड़की कहने का अर्थ है कि पूरे लड़की का समूह का बोध करा रही है। चिड़िया यहाँ पर यहाँ उड़ रही है, तो पूरे समूह की यहाँ पर जो है वो बोध करा रही है। तो एग्जाम्पल में देख ले, लड़की की रंगोली बना रही है, लड़की जो है, लड़की यहाँ पर की नहीं होगा, गलती थोड़ी हिंदी टाइपिंग है, लड़की रंगोली बना रही है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि लड़की क्या है, पूरे जाति की यह क्या कर रही है, बोध करा रही है।
फिर यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया क्या हुआ, यहाँ पर जाति का समूह, जाति का एक दिख रहा है, यहाँ पर चिड़िया पूरी जाति को अपना बुध करा रही है। तो इस तरह से जो है जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा में दो और पीसी में प्रकार होते हैं, दो भागों में बांटा गया है जातिवाचक संज्ञा को, जैसे पहला द्रववाचक और दूसरा जो है समूहवाचक। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा बना रहा है कुम्हार, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हलवाई जो है जलेबी छान रहे हैं या जो भी बना रहे हैं। तो क्या होता है द्रव, द्रव मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो है मिलाकर उसको बनाया जाता है, उसी को जो है द्रव कहते हैं। जैसे देख लो, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जिस संज्ञा, यहाँ पर थोड़ी हिंदी टाइपिंग है उसे इग्नोर करेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे शब्द जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देख ले, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यहाँ पूरे क्या हो रहा है द्रव की बात किया जा रहा है, मिट्टी। हलवाई घी में जलेबी तल रहा है, घी क्या हुआ, क्या हुआ, द्रव हुआ, एक पदार्थ हुआ, उसी को हम लोग जो है द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट को जान लें, समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करा जाए, जैसे उदाहरण में देख रहे, दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ क्या हो गया, पूरे एक समूह। यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे, पूरे समूह में है, यहाँ पर दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पर देख रहे बहुत सारे लोग एकत्रित है, तो क्या है, वो समूह हो गया। ठीक उसी प्रकार देख ले, कक्षा में क्या हो रहा है, कक्षा में सब छात्र ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे, मतलब कि कक्षा में टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, सर की बात जो है ध्यान से सुन रहे थे, यहाँ भी एक समूह हो गया। तो वही कहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके अंतिम भाग को जानेंगे, मतलब भेद को जानेंगे, जो कि है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जैसे देख ले यहाँ पर, किसी गुण स्थिति दशा भाव विशेषता के नाम को जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण स्थिति दशा भाव विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा देख लीजिए शरबत पी रहा है, एक बच्चा जो है ताजमहल को देख रहा है, तो उदाहरण में देख ले, शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भाव दर्शा रहा है कि मुझे क्या ठंडक मिली शरबत पीकर। फिर यहाँ देखे, ताजमहल की सुंदरता देखकर हमें दंग रह गए, तो यहाँ भी जो है अपनी दशा को बता रहा है, दशा मतलब या भाव को बता रहा है या विशेषता को बता रहा है कि मैंने जब ताजमहल को देखा तो दंग रह गया, मैं जब शरबत पिया तो मुझे ठंडक मिली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी दशा को, भाव को, विशेषता को जो है दर्शा रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि किसी भी गुण स्थिति दशा भाव विशेषता के नाम को जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह जो है आपके इस वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।